प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आला सिंह विशेष अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालका घर के घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में है आपके सामने वीडियो प्रेस करता हूँ। मैं आपके सामने तरह तरह की नई नई वीडियो प्रेस करता रहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं जो नई आप इन वीडियो से लाभान्वित होते रहते हैं। आज मैं आपको खेल खेल में कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा वीडियो का विषय विषय रहेगा आकार। हम अपने आसपास के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते रहते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है, लेकिन हम उनका आकार नहीं बता पाते। तो मैं जो मेन हमारे चार तरह की आकृतियाँ आती, चार आकार होते हैं बेसिक। वर्गाकार होता है, ये हमारा वर्गाकार है, इसकी चारों भुजाएं बना बराबर है ऊपर है, वैसे मैंने बनाता हूँ मैं वीडियो आपको। कोई भी आकृति है वर्गाकार का मतलब है चार भुजाएं बराबर है, ये वर्गाकार है। इसी को जैसे हम बोलते हैं जैसे ये 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 ये, ये, ये हमारे वर्गाकार आकृति आगे मतलब जिसकी चार भुजाएं बराबर है, ठीक है। इसको हम वर्ग का नाम देते हैं, वर्ग का। अब ये आकृति हमारे आसपास में क्या किस किस में मिलती है, किस किस रूप मिलती है। जैसे हम कोई भी जो है ना जमीन का टुकड़ा होता है, कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर जमीन ये वर्ग का है, चौकोर जमीन है, उसमें घर बनाते हैं हम तो चौर बनाते हैं वर्गाकार। सामान्य भाषा सुनते हैं देखते हैं वे चकुट्टा है चौरस है, एक दिन चार भुजाएँ बराबर है, तो हमारे को अंदाजा होता है कि ये ना वर्गाकार आकृति है। दूसरी आकृति हमने देखी है हमारे गाँव में वर्गाकार का मतलब होता है आयताकार। आयताकार का मतलब होता है कोई भी आकृति ये वर्गाकार है, उसकी चार भुजाएँ हैं लेकिन दो आमने सामने की भुजाएँ बराबर हैं, ठीक है। ये शेप के लिए हमने आयताकार ये बराबर है, इसको हम आयताकार का नाम देते हैं। आयत है ये हमारे सामने विभिन्न प्रकार के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे हाथ में जगह मोबाइल फोन रहता है वो आयताकार का रूप है, हमारी मेज होती है वो आयताकार के रूप में होती है, हमारे खिड़की जो दिखाई होती है घर में खिड़की लगाई जाती है वो आयताकार में लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे और भी जो अन्य वस्तु होती है जो आयताकार में दिखाई देती है। तीसरा होता है त्रिभुज, ये आकार त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन लंबवत खड़ी है, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं हैं इसीलिए इसका नाम त्रिभुज, त्रि जमा भुज तीनों भुजाएं। तो ये आकृति हमारी आप देख सकते हैं वातावरण में, जैसे ये रोशनदान लगा देते हैं हम गाँव में, खिड़की भी कई बार होती है त्रिभुज के आकार में, रसोई में लगा देते हैं या अपने बाथरूम में लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई साइन बोर्ड जैसे आप रास्ते में जा रहे हो निशान दिखाई दे गया उसमें आप जब रास्ते में जा रहे सड़क पर जाते हो तो साइन बोर्ड दिखाई देता है, तो इसमें दिखाई बताते हैं भाई ये जो ना इस तरह का ये घटा होता है इसको त्रिभुज में दिखाई देते हैं ये रास्ता हमारा खराब है, तो यह आकृति जो है वह त्रिभुज है। जब हम छतरी को बंद कर देते हैं, छाता है जैसे हमारा छतरी को बंद कर देते हैं तो भी उसका आकार हमारे देखने में इस तरह से मिलता है, तो ये तो इस तरह से हमारे चौथा हमारा आपका आकार हो गया हमारा गोल। ये आकृति जो
होती है गोल, इसकी कोई गुजार नहीं होती लेकिन चार तरफ से गोल होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे रोटी खाते हैं रोटी हमेशा गोल होती है, सिक्का हमेशा गोल होता है, फुटबॉल देखी हमने गोल होती है, बॉल देखी है गोल होती है, मम्मी का कड़ा है वो गोल होता है। तो ये आकृति हमारी गोल होती है, इसके हम सूर्य दिखाई देता है गोल होता है, पूर्णमासी में चंदा होता है गोल, चांद होता है गोल होता है। तो ये हमारी चार तरह की आकृति बेसिक बताई गई है। तो इसी तरह की आकृति कैसे है, अब हम इसके अलावा इन्हीं चारों आकृति से कहीं ना कहीं मैच होता है, हम कोई ना कोई आकृति कोई ना कोई वस्तु प्रति बना देते हैं। जैसे हम खाली बैठे पढ़ाई पढ़ाई में हमें बना ज़्यादा मैच डिस्टर्ब हो जाते हैं, खासकर जो बीमार बच्चा है दिव्यांग बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ाई में टाइम नहीं दे पाते, वो क्या करते हैं उनको मनोरंजन के लिए उसको ड्राइंग में डालना चाहते हैं। तो ड्राइंग जब होती है जब वो ड्राइंग का शुभ सब्जेक्ट हो जाता है तो कोई भी आकृति बच्चे बच्चे बच्चा ये क्या है ये देखना है ये बनाना है कैसे बनाना, या हम पढ़ते पढ़ते कई बार हो जाते हैं तो हम कोई ना कोई नेचर का देखते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बना के दिखाऊँ कैसे बनाऊँ, या कई बार हम देखते हैं समय बड़े होते हैं हमारे आसपास में कोई किसी की आवाज़ चली जाती है डेड पर्सन, तो वो आकृति बना के हमारे को बता देता है, बोल तो पाता नहीं लेकिन वो अपना कोई ना कोई शेप बना के हमारे को कोई ना कोई चीज़ समझा देता है। तो आकृति का हमारे दिल में बहुत रोल है। तो इसके बाद हम नई आकृति यूज करते हैं, हम जैसे ये ले लिया और ये ठीक है इसको हमने नीचे निकाल, तो ये कौन सी आकृति आ गई, एक दो तीन चार पाँच छठभुज की आकृति है, छह भुज है। इसी तरह से हमारी ये आकृति आ गई है, एक दो तीन चार पाँच पंचभुज आ गई। इसी तरह से गोल है, गोल को थोड़ा सा हमने इधर से बढ़ा दिया ऐसे करके थोड़ा सा इधर से बढ़ा दिया, इसको हमने साफ कर दिया, ये हमारा क्या आ गया एक बेलनाकार बेलन क्या आ गया। और इसका हम क्या कैसे देखते हैं, जैसे हमारा गिलास है ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया ये जैसे बेलनाकार बेलन हो गया हमारा, सिलेंड्रिकल बोलते हैं हमारा सिलेंडर हो गया, गैस जो भराते हैं भरने के लिए कोई आता है या जो सिलेंडर देके जाता है उसका आकार क्या होता है बेलनाकार ठीक है। और अच्छा इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, अब जैसे हमें बोल ही बना दिया बोल देख ली वो आज को देखना बोल बना लिया वो बोल बना लिया सेम तो आकर के हमारे ताले क्या कैसे बनाते हैं ये हम प्रॉपरली नहीं बना पाते, तो मम्मी का कड़ा ले लिया कोई गिलास ले लिया गिलास उल्टा करके उसका सेप दे दिया, हमारे घर आकृति बनाने आसान होगी। अब इसमें हमने सब छोटे छुटके ले लिए ये बनका का ले लिए और इसमें ड्राइंग कर दी, हमारे टाइम भी अच्छा होगा मन भी संतुष्ट हो गया और हमने नहीं आकृति का आविष्कार कर दिया और फुटबॉल का नाम दे दिया। तो खेल खेल में आकृति के माध्यम से हम अपने उसमें मन को संतुष्ट करते हैं और एक ड्राइंग में फुटबॉल का चित्र बना लेते हैं। किसी बच्चे को इच्छा हो जाए देख देख के बैठा आता घर में बैठा है कोई पेड़ है पेड़ पर उसको पत्ता दिखाई दे रहा है मेरे को तो पत्ता बोल दिया अच्छा लग रहा है क्यों ना पत्ता बना लिया, तो पत्ता कैसे बनाएगा पत्ता वही बात है उसको दिखाई दे रहा है लेकिन वो बनाए कैसे। तो ये छोटी छोटी आकृति त्रिभुज की आकृति उसको हेल्प करेगी पत्ता बनाना किस तरह बनाएगी, ये हमने त्रिभुज की आकृति को बना दिया। अब इसको धीरे से हमने यहाँ से बना दिया ऐसे करके ऐसे और धीरे से हमने यहाँ से बना दिया ऐसे और इसको हमने साफ किया ये पत्ते की आकृति इसको ड्राइंग
तभी ना, ठीक है। हमने मोमबत्ती बना ली है, तीन बुझाया, जो बुझने तीसरे गमले बना लिया, इसके नीचे हमने क्या कर दिया, चोरस ले लिया, आयताकार ले लिया। तो आयताकार बनाने से ये एक आ गया आपका क्या, तीन मोमबत्ती क्या है, इसको हमने तीसरे से निकाला। तुम खेल खेल में आकर टी वी देख रहे हो, नई पिक्चर बना रही। इसके अलावा आपके गमले में फूल लगा हुआ, आप देखते हो वो फूल तो बहुत अच्छा है, तो मैं फूल बना के देखो। फूल का ही तरीका है, बोल रहा हूँ इतना ही टूटा है, ऐसी जो बोल ले लिया, ऐसी ही ले लिया, ऐसी ही ले लिया, ऐसी ही ले लिया, ऐसी ही ले लिया, ये मारा बताओ फूल। अब फूल में पत्ती भी दिखानी, तो पत्ती का हमें बताया था क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे ले लिया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये पत्ती, ठीक है। ये हम जब दूसरे को हैंड पेंटिंग हाथ से बना कर उनको चित्र दिखा सकते हैं, इसमें हमारी जो है कलाकारी साफ दिखाई थी बच्चे में, ये गुना है ये बच्चे और पेरेंट्स हैं, अभिभावक है या कोई समाज का अन्य व्यक्ति है, वो उसको तब पाए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आप जो है ना ये चीज़ बनाया। इसके अलावा और कोई नई आकृति आप बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जानना मेन उत्सव ये है कि आकृति के माध्यम नई वस्तुओं का आप बना सकते हैं। अब एक आकृति और बना दें, उसमें केवल चार आकृतियों का जिक्र किया है, गोलाकृति है, इसको और इसको हमने मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है। ये क्या दिखाई दे रहा है, बड़े हमने आकृति बनाई है, साइकिल का आकृति बन गई, हम दिखा बना रहे हैं साइकिल की आकृति दिखाई दे। इसमें क्या है, वर्गाकार भी आ गई है, गोल भी आ गया, त्रिभुज भी आ गई है, तो तीन आकृति से मिला के हमें छोटी साइकिल का दे। तो आशा करता हूँ मैं आपको मेरी शिक्षा प्रतिविधि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत खास मोटिवेशन रहा होगा। धन्यवाद।